जी असल वरहम्ला वेलकम टू माई YouTube चैनल एक और ब्लॉग में खुश आमदी तो आज बहुत बड़ा दिन है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का फाइनल है आज 20 टीम्स हैज़ प्लेड दिस टूर्नामेंट और सिर्फ दो टीमें अब बच गई हैं सेमीफाइनल भी बहुत ज़बरदस्त हुए साउथ अफ्रीका वाला जो सेमीफाइनल है वो तो बहुत वन साइड हुआ फिफ्टी सिक्स ऑल आउट हुए लेकिन जो इंग्लैंड वाला है वो मैच थोड़ा सा फ़ाइट किया इन्होंने वन स्कोर किया लेकिन उसके बावजूद इंडिया हैज़ प्लेड रेली वेल और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बड़ी बातें और रही साउथ अफ्रीका ने आज तक क्वालिफाई uh, नहीं किया साउथ अफ्रीका की जानब से अगर बात की जाए तो अनबीटन रहे हैं इस टूर्नामेंट में और उनकी जानब से कॉन्टन डिकॉक है, 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 हैं रीजा हैंड्रिक्स हैं एडन मार्क्रम हैंनरिक्लासन हैं और बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत उनका स्ट्रॉग है उन्होंने काफ़ी मैचेज़ जो है क्लोज विन किए हैं जैसे कि uh, उनका जो मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ 18 बॉलों पर 25 रनस भी डिफेंड कर लिया उन्होंने और उसके बावजूद जो है आ, उनका दूसरा मैच जो थे वो भी उन्होंने जीते वेस्ट इंडीज़ से भी जीता उन्होंने तो अनबीटन है साउथ अफ्रीका अभी तक किसी टीम से हारे नहीं है उनकी तरफ से एनरिक नॉर्किया जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए कगिस और रबाडा हैं और ओटिनल बार्टमैन हैं जिन्होंने लास्ट ओवर में स्कोर बचाया था आई थिंक एक, एक एसोसिएट टीम के खिलाफ था और बैटिंग डिपार्टमेंट भी ऐसे है ऑलराउंडर भी बड़े ज़बरदस्त हैं तो इंडिया uh, की जानब से भी इंडिया अभी तक अनबीटन है लेकिन एक जो मैच है वो बारिश की नज़र हो गया था न, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था उनकी जानब से विराट कोहली अभी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं सात मैचज़ में सिर्फ सेवेंटी फाइव रन हैं सेमीफाइनल में भी री स्टॉप लिखे उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया था लेकिन जो है उसके अगली बॉल पर आउट हो गए रोहित शर्मा जो है अपनी जो फॉर्म है उसमें बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उसके अलावा जो वन डाउन आते हैं ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेट था कि इंग्लैंड में नहीं खेल सके लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था न्यूयॉर्क में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खेले वो और बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स का मुजाहरा किया बयालीस स्कोर वहाँ बनाए थे उन्होंने और चौथे नंबर स्काय आते हैं सूर्या कुमार यादव और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त जो है बैटिंग की है खास सेमीफाइनल में बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रोहित शर्मा के साथ लगाई और हार्दिक पांड्या हैं शिवम दुबे अनफॉर्चुनेट था पहली बॉल पर आउट हो गए थे तो जो मैचअप्स हैं वो ऐसे ही हैं कि साउथ अफ्रीका पे पलड़ा भारी रहा है हमेशा लेकिन जो लास्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में इनकाउंटर हुआ था इनका एमसीजी में अगर आपको याद हो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो मैच था आ, उसमें विराट कोहली ने एक एडन मार कर उनका कैच भी छोड़ा था एक या एक सौ रन बनाए थे और वो सात या छः विकटों से आ, इंडिया ने सॉरी साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीत लिया था तो रिकॉर्ड तो यही कहता है कि साउथ अफ्रीका जीते आज तक वो आई ट्रॉफी जीते नहीं हैं साउथ अफ्रीका आपको अगर याद हो 99 से लेके 99 में वो जो मैच टाई हुआ था उनका वहाँ से हार गए फिर 2003 में भी सेमीफाइनल हारे थे उसके बाद 2007 में भी सेमीफाइनल हारे 2011 में ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ 2015 में सेमीफाइनल हारे ए बी डिविलियर्स वॉज कैप्टन और वहाँ उनकी प्राइम टीम थी बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी दो में ग्रुप स्टेज एग्जिट दो में भी सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे तो अभी तक फाइनल पहुंचे नहीं थे इस मरतबा फाइनल पहुंचे हैं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का और बेस्ट विशेज़ टू देम ऑन द अदर हैंड इंडियन टीम जो है वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करती ज़रूर आ रही है लेकिन 2007 के बाद वो वर्ल्ड कप जीते नहीं है 2007 में वो वर्ल्ड कप जीते थे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशी में दो में ग्रुप स्टेज से एग्ज़िट हुआ दो में भी सेमीफाइनल खेले दो हज़ार बारह में सेमीफाइनल खेले थे दो में फाइनल खेले लेकिन श्रीलंका से हार गए थे दो हज़ार सोलह में वेस्ट इंडीज़ से हारे वानखेड़े स्टेडियम में तो बहुत <laughs> बड़ा जो है झटका लगा था उनको उसके बाद दो हज़ार इक्कीस में जब पाकिस्तान से दस विकेटों से हारे थे तो उसके बाद जो है रिकवर नहीं कर पाए सेमीफाइनल भी नहीं पहुँच पाए थे दो हज़ार बाईस में इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारे जो अब रिवेंज भी ले लिया इन्होंने तो दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक साढ़े सात बजे जो है मैच स्टार्ट होगा तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बेस्ट विशेष तो बहुत टीम्स लेकिन मेरा दिल साउथ अफ्रीका के साथ है तो ये आज की वीडियो है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में असलम रहमतुल्लाह